इसमें मेरे साथ हमारे स्थानीय जिला परिषद सदस्य जयवंती दुग्गल जी, मेरे साथ ही हमारे स्थानीय विधि साहब भाई ठाकुर लाल जी, मेरे साथ ही स्थानीय प्रधान और हमारी बेटी सोनाली राजपा जी, मौजूदा प्रधान हमारे हरतवास पंचायत के भाई खान साहब, उप प्रधान साहब, सभी वार्ड पंच, पूर्व में रहे प्रधान भाई हरचंद जी, हमारे सभी फौजी साहिबान मामा जनताराम जी, मामा साहब, और आप सभी यहाँ से कुठी पंचायत के सभी मौजूद लोग, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम मिले तो अरसे बाद है, लेकिन खुशखबरी के साथ मिले। और खुशखबरी भी एक नहीं, दो दो तीन तीन खुशखबरियां। पंचायत में बदलाव हुआ कोरोना के बीच में, तो एक सुखद सूचना, जिन जिन लोगों ने भी चुनाव लड़ा, जनता के बीच में आप सब लोग गए, पहले जिला परिषद साहब को बधाई देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं इनकी तरफ से भी। बीडीसी तो जिताए, लेकिन साथ में आपने चेयरमैनी और वाइस चेयरमैनी भी ले ली, इसकी बधाई भी बीडीसी साहब को देता हूं। और उसके साथ साथ पूरी पंचायत आपकी अपनी पंचायत है, अब दरवाजे से लेकर के दिल्ली तक सरकार जो है वो आपकी अपनी, अब कोई बाधा नहीं आएगी। ये तो भाग दे भी आसाड़िया प्रतिपण आसो सुनना चलती है जी, सच्चे में आए तो लेखर पढ़ाओ नहीं बिजली सके, आए घरे भी गई थे जहाँ वोट मांगते गई थे और द्वार अपना बेन भेजने की कोशिश थी, आज जबरदस्त दिन कही थी भाई आसाड़ अपना बेन हुए गलत सुना सो सुने मैं आसवा जरूर था दो तीन था जरूर था, लेकिन वो नहीं समझी। तो ऐसी पढ़ाई भी क्या करनी जो अपने इलाके के साथ ना चले, अपने व्यक्ति के साथ ना चले, अपने लोगों के साथ ना चले, अपने सुख दुख के साथ ना चले। उद्घाटन बोना जे भाई साहब ठीक थे बता झूठ, देखो कोई भी इलाका अगर आगे बढ़ना सारे मुकरी थे क्या भाई अरे फॉरेस्ट आई केवल आई हुए बना सकते सही कोठी भी बना सकते, और जहां तक लुई डे रोड ना पुजे तहां तक जेसीबी एल एन टी रोकनी है ना। बस एक रिक्वेस्ट हुआ कि ना है कही कि भाई जमीन ही तो देनी पूरी कुछ दो बूटी गहनी कुछ कर सगवाड़ गाने या कुछ कर पाटे गाने, तो तब मैं जमी हो जरा थोड़ा सा सहयोग किया और वहां तो मुझे विश्वास है कि हम लगभग जब तक जून जुलाई आती है लुई डे पार्टी भर सकते मतलब अच्छी भर सकते। और इनियो चर्चाओं का आदत यहाँ फिर वो लुई डाय के ये बारे क्यों ना देख दिया बताए केलन भी क्यों ना दे अपने भी जी होटल बनी सकते हैं जी टूरिस्ट ही सकता जी आसड़ा क्या इलाका बहुत जबरदस्त इलाका और थोड़ी थोड़ी जो कमी आसमान जी जड़े भी रहे उड़िया सके पूरी कहने तो जय भी उपाय होता हुआ वो हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चैनल अच्छा हो गया है, जैसे भाई हरचंद जी कह रहे थे प्रधान साहब अब आपके अपने हैं, हमें जो भी प्रस्ताव चाहिए होगा जिस तरह का भी प्रस्ताव चाहिए होगा वो आपको मिलेगा, और रात दिन अगर हम मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा करवाएंगे और उनसे ही घोषणा करवाएंगे कि आपके यहाँ हाई स्कूल भी खुले। और अगर सबके सहीरे वाली शिव जी सही रखो तो इससे साल आसो हाई स्कूल भी दे देना, तो कोरोने ला जरा साल आका सड़ा बिगड़ी गया ना जी सारा अनबैलेंस हो गया को साल भर तो किच कमू ही हुए ना सड़े भर ऐ तो शुक्र है इस महर जहाँ शिव जी का कि जी तो ना छाटे आई ये कुद बहुत है नहीं दाटते ही तो बड़ू आई उठती हूँ भोंगला अब तो भाई वहाँ कल ले चलो रहे हो रहे पास नहीं कोई गया ना ये सच्चा ही मन अब टेन तत्या भी हालात बहुत है। और तीसरा भी मीटिंग ली थी तो गिणवे चुनवे दस बारह महीने आसमान ली थी और बहुत बुरे हालात थे, पर चलो असल प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संभाला, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम ने पूरे प्रदेश को संभाला, और जिसका नतीजा ये था कि समय पर 23 मार्च मेरे को आज भी याद है जब हमें हिदायतें मिली, मैं मुंबई से आया था
उन्होंने कहा कि अब आपको जिला चंबा संभालना है और किसी व्यक्ति की कोई क्षति ना हो, कोरोना की वजह से कोई व्यक्ति अपनी जान ना गवाए, और लोगों ने सहयोग किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे जैसे डायरेक्शन दी वैसे वैसे हम आज इस लगभग मार्च तक पहुंच गए और सभी सुरक्षित और सलामत स्थिति में। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं, आयुष्मान भारत में हमने 5 लाख का बीमा लोगों का कराया, हिम केयर के अभी भी कार्ड बन रहे हैं। मैं फिर एक बार प्रधान साहब से गुजारिश करूंगा, बीडीसी मेंबर यहां पर हैं, जिला परिषद हैं, कि 31 मार्च तक हिम केयर के कार्ड बन रहे हैं। आपका काम है वो कार्ड सबके बने, भगवान ना करिया तो उनका बीमार भैया जाए जेएमसी फर्स्ट है ना जी, सासवा पता था सुन कुत निपते 10 रुपये 10,000 या 5 लाख जे मान लो उसके जरूरत पुया था, अगर तेरी कार्ड बनाओ रूप हो उस कार्ड की वजह से आपका जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अभी बनाई होगी चीज तो वो काम आएगी। यही काम है वार्ड पंच का, यही काम है प्रधान साहब का, अवेयरनेस फैलानी है और उसमें प्रधान साहब सहयोग करें, बीडीसी मेंबर सहयोग करें, हमारे जिला परिषद सहयोग करें, और पंचायत का कोई भी व्यक्ति जो डिजर्व करता है उसका कार्ड नहीं छूटना चाहिए। एक तो ये हम लोगों ने करना, प्रधानमंत्री आवास में जितने घर हम लोगों को चाहिए, पिछली बार हमने इसी ब्लॉक में लगभग इन 50 एक टाइम ऐसा होता था, आपने खुद भी रियलाइज किया होगा, हम एक घर लेने के लिए तरले करते थे, कभी बीडीओ के, कभी डीसी के, कभी इसके, कभी उसके। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है और हिमाचल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने सत्ता संभाली है, तो आपके यहाँ ब्लॉक में भी हमने 2000 घर तो पिछली मीटिंग में बांटे, 2000 घर। और अब वो जो घर जो डिजर्व करते हैं आप प्रधान मुख्यमंत्री आवास में भी भराओ, प्रधानमंत्री आवास में भी भराओ, और अगर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो SCCP में भरवाए, उसका तो चेयरमैन में जिले का खुद हूँ, तो वो जो डिजर्व करता होगा उसको घर हम अपने अपनी उससे भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। TD के कितने केसेस पहले कौन थे बुट्टे में ही थे, जब कांग्रेस की सरकार थी हक न करे थे इतना तरसती आई, एक नग निकालना हो तो ऐसी ऐसी तेज फेरी गए कि फिरती के ना। इस बार हमने जो है वो TD के भी अनगिनत केसेस जो है वो चुराह विधानसभा क्षेत्र के करवाए हैं, एक एक मौत है ना जी, और एक कौन क्या गार्ड ने जायज न तंग कर सकता, कौन क्या पटवारी ने जायज तंग न कर सकता, कौन क्या सेक्रेटरी तो ने जायज तंग न कर सकता, क्योंकि सरकार तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा अपना विधायक है, तुम्हारा अपना प्रधान है, अपना BDC है, अपना जिला परिषद है, भला कौन क्या तंग कर कर बुझिया। तो यह जनता की जीत होती है और ये पंचायत तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से चली हुई पंचायत है। आप लोगों की वजह से सरकार दिल्ली में भी है और आप लोगों की वजह से सरकार आज हिमाचल और आपके चुराह में भी है। 2 बार हम जीते हैं, अब देख लो आप केला रोड का भी हम काम शुरू करवा देंगे, प्रधान साहब अशोक चलो रहा और नहीं दाया सर यदि फौजिया माम अमर सिंह गेड़िया आदि बात छाटी गया मोहरे वोट का चल भाई अभी सच्चा क्या हो तो दौड़ू और पैदल क्या होता दौड़ू आसमान जे सची गल है। जै चीज मैंने 60 से 66 साल न की सके चीज आई अपने 6-7 साल हमें कार्य करना लो भाई शक लोगे धर नजर दिया तो दूध रे धर नजर दिया तो चाहे मंगलोए धर नजर दिया चाहे तो खोड़किया में नजर दिया नवी रोड़ी बेणी की ना बेणी बना दे। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि लास्ट बड़ी मुश्किल सुन मैं तेंडे भी रोड पर जा गया तो ऐसी दी थनेरी पचाई थी कहा तो भाई साहब बड़े बैठो रहा था कुठेड़ बहुत धोड़े कहा लगभग लमसम हर जगह हमने जहां जहां लोगों ने सहयोग किया है जहां जहां प्रधानों ने सहयोग किया है वहां वहां सड़कें पहुंची है और इनको PWD के अंडर करना और ये सड़कें जो है वो खराब ना हो और अगर खराब हो तो उसका मेंटेनेंस और वो सदा के लिए रोड चलती रहे। देखो हमने सही कोठी को डेड्यूड के साथ जोड़ना है, सही कोठी को बंदेड़ी के साथ जोड़ना है, मतलब ये आपकी पंचायत को उसका भी अब हमने काम शुरू कर देना है और ये ख्वाब में नहीं है आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। जब मैं अभी गाड़ी से उतरा यहाँ पर तो मेरे को दिल में ऐसा लगा
कि जिस चीज के लिए आपने संकल्प लिया था आज लगभग पहले नगर हटक नहीं थे, आज प्रन्ना कना न उतरा ये उतरे के ना उतरे एतकना बद बड़ा बदलाव कितु होना। अब कोस्करी पार्टी में कुदाले लाई खाना थोड़ गाना लगे जाते सभी तो शदा तो तैत भी चले मतवाड़ा आप लमेन बोले त्री पार्टी भी हो का करेला ना। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है जब सरकारें अपनी होती हैं तो विकास होता है और ये प्रत्यक्ष विकास है। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि विश्वास रखो आपका प्रधान आपके रास्ते पक्के कर देगा, इसकी गारंटी मैं भी लेता हूं। आपके बीडीसी यहां पर अपने हैं जो इनके हेड की या जो इन्होंने भी घोषणाएं या अपीलें की है उनको पूरा करने का काम भी हमारा है और जिला परिषद के कामों को पूरा करने का भी हमारा ही है। बस चलना साथ में है, सबने मिल करके चलना है। और जो 2022 का लक्ष्य हमने रखा है कि अंधेरा अब कोरोना वही गया कांग्रेस ना जी, अब इतना साल हमारी बुद्धि नहीं तो कि नहीं अरे तो आप मेरे ख्याल याद मानो छोटा दिया केस हुआ था 100 किलोमीटर सो गाण ना पूछू कोई नहीं बिसरी उतार और असड़ा एड़ा के ना डिवीजन चौकी कर सलूनी लाई थे के और पीडब्ल्यू आईपीएचरा जा पीडब्ल्यू जा आईपीएचरा एकरा सलूनी होरा चंबे था चलावरा कोर्ट ओछुई कर चंबे था चलावरा कुनी थी सो चोर दे शो शो 18 करोड़ रुपया तोड़े पास हटे पर खर्च मोन जी 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 जताई आई तने ते पुजाई तो आज तोड़ी अपील तने ते गए तो आज सबके छा आईटीआई जी चीता नहीं तुम्हें इन्हों ना जी तो आज है केडी चिंडे दी थे आज है आईटीआई उछुई कर कोटी लाई गया आज तक कोटी बा कर भी आईटीआई ना उछुती। हमने तो वो आईटीआई वहां पर रहने दी और मर्द सकाई बहुत के अपने होरे लाई कर इचो और ले आए हैं। तो चीजें बदली हैं और चीजें बदलती रहेंगी, विकास होता रहेगा, ये निरंतर प्रक्रिया है। आज रोड आपकी कच्ची रोड बनी है, कल इसकी टायरिंग होगी, पार तक तो हमने इस साल ही आपकी टायरिंग करवा देनी है, उसके लिए बजट दे दिया है, मतलब पक्की रोड आके पुजा देनी। और अगर आज झूठा ते बधिया बस पास करवा गए तो झूठा ते बस भी लुआ देनी, रूट बनेगा ना जी आप पूरा रूट न था बनता जहाँ साड़ी घोषणा कोई झूठ ही घोषणा न होते आज कोई चंब्यास होना तो भाई यानी झूठ बचा नहीं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर के चलेंगे तो हमारी चीजें जैसे 74 साल बाद अजय धीरे 74 दादा बैठोरा देड़े बीजेपी पिचोरे पिचोरे चाले कर कतरे झुक जमाने में। इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि त्वाड़ी जैबी कुर्बानियां वो जाया नहीं जाने देंगे। जय त्वाड़ा कर्ज मोह बना उसको हम उतारेंगे और विद ब्याज उतारेंगे, ठीक है ना जी। और तब तक राजनीति में है जब तक आप लोग कहेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी होती है इसमें, ये मताधिकार है। अब प्रधान न तो एक कुंजा संताया कथा बनता है क्या पुराण बस एक कुंजा पर तो जमानते भी आप तुम दिए फिर हवाई सुन जैसा चलो ना जेनी पास सही गल देखो क्या धर्म युद्ध लगो रहा ये सच्चाई है, ये धर्म युद्ध है और सदा धर्म रही है जय भोते ये मैं आपको कह रहा हूँ। और लगभग जय हिंदू आस्था रखते है ना जी उनको तो याद रहना चाहिए कि महाभारत और रामायण में भी और अगर आप भगवत गीता को जिन्होंने पढ़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने भी सही कहा है, मतलब उसमें ये चीजें हम लोगों को कही है कि भाई आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा, ये सच्चाई है। और भगवान ने अगर लास्ट इतिहास करना सो मौका दितोरा ना जी लास्ट कौन है करना ताई के कौन है ठीक कौन है ते दितोरा हरनी ते ना दितोरा तेरे आज डायरेक्ट शिव जी रे भी बनता हूं क्या बोले ना मुझे भाई ठीक है ना तो जय कान का सरिया हो रिया सभी पूरी भोनी है ठीक है ना जी। इसीलिए आप सब लोगों से निवेदन है मेरा कि आस्था रखो विश्वास रखो और मैं तो प्रधान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका इस बार का जो शेल्फ होगा जिसमें 1 साल 4 काम उसमें आप प्रायोरिटी पे जो है वो एक तो इसका शेल्फ डाल देना ये जो सराय का है जी। दूसरा जो हमारा हमारे गांव है जिनमें टायरिंग ये पक्के रास्ते नहीं बने हैं तो आप मिसाल पेश करो क्योंकि आप हाईली क्वालिफाइड हैं और फादर साहब आपके एक्सपीरियंस्ड हैं, लोगों को भी लगे कि एक पढ़ा लिखा प्रधान क्या होता है।
और युवा भी हैं, सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी है, युवा है और भाई साहब तो सपोर्टर है ही हैं आपके, लेकिन जहां साइन सिग्नेचर और विजन विजन होता है वो आपका ही झलकेगा। वैसे ही बीडीसी साहब हमारे यहाँ पर हैं, उप प्रधान साहब भी नौजवान हैं, तो कभी पीछे नहीं रहना होता उप प्रधान साहब, जनता ने आपको बहुत बड़ा समर्थन दिया हुआ है ये अपने, ठीक है ना जी। इसीलिए सब वार्ड पंचों से निवेदन है कि अपना अपना शेल्फ बनाएं और उसमें प्रधान साहब को दें, प्रधान साहब आपको पूरा सहयोग करेंगे और प्रधान साहब का हम पूरा सहयोग करेंगे। देखो हमारी तो बेटी है लेकिन आप सबकी भी बेटी है, क्योंकि आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है इस लड़की को, और ये और कामयाब हो और आगे बढ़े ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और नव जो जीते हुए सारे हमारे बंदे हैं, चाहे जिला परिषद महोदय हैं, चाहे बीडीसी हैं, चाहे हमारे वार्ड पंच हैं, और जो हार गए हैं उनसे भी आग्रह है मेरा कि इस बार अगर कुदरत ने साथ नहीं दिया या आप जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरे तो ये लोक सेवा का काम है, लोक सेवा है और उसमें निराश हताश नहीं होना है। ये वो कहने पिठ नहीं लोहानी मैड़ा नहीं लाना। जीते हुए विधायक प्रधानों को तो मैंने उस दिन भी कहा था, जो जीत गया उसके लिए सब सम्मान होते हैं बराबर, उसके लिए पांचों उंगलियां बराबर होती है और कभी भेदभाव करना भी नहीं चाहिए। ओछी हरकत हमने क्यों करनी इस, ये हम हाँ डेवलपमेंट की तरफ देखें आप सब लोग, विकास की तरफ। और अंत में भारत माता की जय, सब लोग बोलेंगे कि और तो ना अच्छा बाद में बात विच करा कि मौका कर अक्षय जी महाराज रविला का भाई ने चाहे ना तो आसवां फिर सपना कर जरूरत है ना तन दैपते और तुआड़े सपना कर आसवां सारे खुश रखने पर नहीं एक और आउटपुट में भगवान शिव जी महाराज की इब्रे जने ना खड़ा रहे ना हाथ शिव जी पे तो जगाता है शेरना भी बाकी है दो दिहाड़ी मैं भी खराब आ हो और जने दो दो भाई हैं थी देखो दो यो खड़ा रहे दिया नहीं ना शिव जी नाराज भी बहुत है भाई और नवाड़ा भुगतान बहुत आसमान भुगतान और है बसर है ना कम है ठीक है ना जी। यानी शिव जी महाराज की बोल मैं भी ना उचित भाई तीन डे सौ मंडे सपना बनना दिल बहुत है रिउटेर बनना वो पिचोरिया भी पता लग गया बड़ी जल मेरी गला हो के नहीं नहीं कर करी देखो फरमाइश ठीक है अब ना खड़ा रहे जल सोखिया फिर मैं कोले मोहन हम हो तो सपना बनना दे मौत जी हम पूरा कम था भगवान शिव जी महाराज की हमें भारत माता की जय बोलनी है अब के बारे बुलाने वो जा देना बुलाने ते फौज जकर सही जाने दर्शक सेवा करे साल के हो जा नहीं तना नाराज भाई का नाराज कौन है मोहन की भारत माता की जोर ना ला भाई कुर्सी लगा ना सड़क पता लगे कुर्सी लगना क्या पता कि भाई सच्चो विधायक है दिक्कत हो रहा है ये सच बोलते हूँ और असर रिश्ते ना दे भाई भाई चारे बंगाल पास है जो है ताकि अभी तक ही देखो उमला सबसे हाईटी जगह और तुआर जीस इलाकर जी की तरह नका ठीक है ना जी। अन्य तो तुआ करना रिक्वेस्ट है अपने लास्ट लुई लेते गया जय हलो मैं इसे पास अभी सुनता हूँ और भाग दे पता लग गया जय हिंद जय हिमाचल जय चुरा धन्यवाद।